हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारी पैथन की क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। जी हाँ, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे हम पिप इंस्टॉल करके हम अपने मॉड्यूल्स को इंसर्ट करते हैं। हमने एक्सेल फाइल को रीड करने में भी बताया था कि हमने पांडास को इंस्टॉल किया था। तो कितने तरह के लिस्ट होते हैं, कैसे पता चलेगा कौन कौन इंस्टॉल हो चुके हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट का फैन हूं, तो मैं विजुअल स्टूडियो का ही यूज करता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे बने बनाए फाइल्स हैं, आप यहाँ पे चाहो तो न्यू फाइल पे क्लिक करके भी एक नया फाइल बना सकते हो। लेकिन मैं फाइल ही टेस्टिमोनियल पे वर्क करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि मॉड्यूल्स, देखिए मॉड्यूल्स जो होते हैं बने बनाए पैकेजेस होते हैं। हम बीवी में रेफरेंसेस यूज करते हैं, जैसे कुछ एक्सटर्नल यूज करना हो तो हम लोग रेफरेंसेस यूज करते हैं। उसी तरह से ये भी आपका जो मॉड्यूल्स होते हैं बने बनाए पैकेज होते हैं, जिसको इंस्टॉल उसका इंस्टॉल उसको जब आप इंपोर्ट कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, उसके सोर्स कोड आपको बन जाता है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि कितने इंस्टॉल है, मतलब कि कौन कौन से आपके मॉड्यूल्स इंस्टॉल है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको टाइप करना है हेल्प। हेल्प के अंदर में आपको देना है सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में मॉड्यूल, MDULES, सिर्फ मॉड्यूल्स करना है। और बस मैं इसको यहां से रन करता हूं तो मुझे यहाँ अभी देखिए वेट बोल रहा है, सारे मॉड्यूल लिस्ट यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। देखिए कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हमने इंस्टॉल कर रखे, खुद ब खुद तो पहले से इंस्टॉल होते हैं। कुछ हमने इंस्टॉल किया था, देखिए फाइल्स मैंने हमने इंस्टॉल किए थे, उसी तरीके से पांडाज भी मैंने इंस्टॉल किए हैं। उसके अलावा एक्सेल की जो भी है फाइलें, एक्सेल की भी बहुत सारे हमने इंपोर्ट किए हुए। तो ये आपको जो जो इंपोर्ट हो चुका है, मैं इंस्टॉल हो चुका है, वो यहाँ पे देखे आए। अब कौन कौन से इंस्टॉल करनी चाहिए, देखिए कुछ मॉड्यूल्स के बारे में हम आपको बताते हैं जो यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नमी, NUMPY, NUMPY। अब इसको चलिए एक बार गूगल पे हम सर्च करते हैं। तो हम गूगल पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं NUM, हाँ निम्बू पैकेज इन पैथन। तो ये जो नंबर पैकेज पहले होता है, ये होता है जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग पैकेज। अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, जो पैथन सपोर्ट जो करता है सिर्फ सिंगल डायमेंशन एरे के, जी हाँ सिंगल डायमेंशन एरे को सपोर्ट करता है। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल डायमेंशन एरे यूज करना है तो आपको इस पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, टेस्टिमोनियल में यहाँ नीचे लिखी चाहे ऊपर ही लिख के रन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल और अपना मॉड्यूल नेम, एंटर प्रेस कीजिए, ये आपका इंस्टॉल का। अभी कहा है कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, जी हाँ ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ ऊपर देखेंगे तो ऊपर दिख जाएगा कि क्या क्या इंस्टॉल कर रखा है, इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है। ऊपर लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट थी तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये आपका पहला था NUMPY। अब पांडास, तो पांडास जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया था कि पांडास का यूज होता है स्टेटिक्स के लिए, मतलब कि एनालिसिस के लिए, डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए इसका यूज होता है। तो पांडास अभी कह सकते हैं पांडास यूज इन द डेटा एनालिसिस। दिस पैकेज मोस्टली यूज द डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिटिक्स। तो पांडास के लिए तो कैसे इंस्टॉल करेंगे पांडास, सेम उसी तरह से पिप इंस्टॉल PANDAS पांडास,
और ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद बात करते हैं, हम बात करते हैं एक्स एल आर डी। जी हाँ, हम क्या बात करें, एक्स एल आर डी। एक्स एल आर डी जो पैकेज होता है, वो पैकेज का इस्तेमाल किसमें होता है, वो पैकेज का इस्तेमाल होता है एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए। जी हाँ, एक्सेल रीड करने के लिए। हमने पिछले जो हमारा जो रिपोर्ट था, जिसमें बताया था रीड एक्सेल फाइल, उसमें हमने क्या दिखाया था कि हमने जो रन किया था, तो हमसे पूछा था कि आप एक्सेल आर डी को इंस्टॉल कर, तो मैंने जब पिप इंस्टॉल किया तो मेरा प्रोग्राम चल गया था। तो ये आपका जरूरत है, तो उसको भी इंस्टॉल करने का सेम हम लिखेंगे। उसके बाद आता है इंस्टॉलिंग मैट प्लॉट लेब। मैं यहाँ पे स्पेल कर देता हूँ, MATFLOTLIB, मैट प्लॉट लेब, या कुछ और प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो तो आप देख लीजिएगा। इस पैकेज का यूज जो होता है, वो यूज होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे गूगल कुछ प्लॉटिंग लाइब्रेरी फॉर द पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एक्सटेंशंस नंपी। इसका यूज जो होता है आपका मैट, आपका जो है ना मैट प्लॉटिंग लीव, इसका इस्तेमाल होता है आपका गुड क्वालिटी ग्राफिक्स के लिए, 2D एंड 3D एडमिशंस के समय, मैंने ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको इंस्टॉल करेंगे तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल MATPLOTLIB, एंटर मारिए, ये इंटरनेट से आपको इंस्टॉल कर। अब इसके अलावा, ये तो इसमें इंस्टॉल हो गया, इसके अलावा और भी आपको चाहिए क्या है, तो आप जो है यहाँ पे सिंपल सा पैकेज लिस्ट इन पैथन क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप जो है, अभी ये देखिए किसी और का है तो इसको छोड़ दीजिए, पैथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे चले जाइए। देखिए विकी डॉट पैथन डॉट ओ आर जी करके आ रहा है, डॉक डॉट पैथन ओ आर जी दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। अब ये जो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे आपके लाइब्रेरी हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेल बॉक्स, मैनिपुलेट द मेल बॉक्स द वेरियस फॉर्मेट, दिख रहा है आपको ये मेल बॉक्स, तो आपको इसको इंस्टॉल कर, ये आपका लाइब्रेरीज है, ये पूरा का पूरा, इसकी सोर्स कोड वगैरह भी इसमें जाके आप देख सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल करना है तो यहां लिखूंगा पिप इंस्टॉल मेल बॉक्स, एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए ये आपका इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है इंस्टॉल करने में, कि आपका पिप जो है वो अपग्रेड नहीं होता है, तो आपको पहले पिप को अपग्रेड करना पड़ेगा। कैसे अपग्रेड करना पड़ेगा, पिप अपग्रेड करने के लिए आप जो है सीएमडी जो कमांड लाइन होती है जो आपकी डॉस वाली, वो आपको खोलना होगा। खोलने के बाद सबसे पहले तो आपका जो सी में आइए, यहाँ पे सीडी, और हम यहाँ पे सीडी स्लैश करके एंटर मारते हैं तो सी में आ। अब मुझे इसमें अपने पाथ को लेना होगा जहां पे मेरा पैथन इंस्टॉल है, तो मुझे कहाँ जाना होगा पैथन के लिए, मैं यहाँ पे पैथन सर्च करूंगा, मुझे पैथन का पाथ चाहिए कि मेरा पैथन इंस्टॉल क्या है, ओपन फाइल लोकेशंस, और यहाँ शॉर्टकट पे आ गया राइट क्लिक, ऑल्सो यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशंस, तो ये आपका पैथन 300 आ गया। अब इस पाथ को मुझे कॉपी कर लेना है और सी एम डी के अंदर में यहाँ
सी डी स्पेस मारिए और उस पाथ को पेस्ट करके एंटर मारिए। अब इस पाथ पे आ गए। अब इस पाथ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है पाइथन डैश एम स्पेस पिप इंस्टॉल डबल डैश अपग्रेड अप जी आर ए डी अपग्रेड पी आई पी पी एंटर प्रेस कीजिए, ये आपका अपग्रेड कर दिया। देखिए आपके सामने इसने अपग्रेड कर दिया, तो आपको पिप को अपग्रेड करना होगा। तो पिप कैसे अपग्रेड करते हैं आपको पता चल गया, हाउ कैन अपग्रेड द पिप, और मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी आपने समझ लिया कि कैसे मॉड्यूल इंस्टॉल होते हैं। अब चलिए अब बात करते हैं कि हम वेरिएबल्स के जरिए कैसे, अगला जो टॉपिक हमारा है वो वेरिएबल्स का है, पर वेरिएबल से पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल, और यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेटर OP1 के नाम से .pi, ये एक्सटेंशन देना जरूरी है, इंटर मार, और मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको रन लिखते हैं, तो यहाँ पे a=10 और यहाँ पे मैंने b=15 और c=, हमने कर दिया a+b, सिंपल सा जो मैथमेटिक में हम लोग करते हैं। और फिर यहाँ पे करते हैं प्रिंट प्रिंट, और प्रिंट में इनवर्टेड कॉमा लिखते हूँ सम स्पेस, और फिर यहाँ कॉमा हम सी कर देते हैं। अब देखिए इसका कुछ ये देना है आपको, कुछ कमांड वमांड देना है, कुछ क्यों ये देना है आपको, कुछ कमेंट देना है, तो स्टार हैश लगाइए और यहाँ अपना कमेंट दे दीजिए कि ए इज वेरिएबल, जैसे मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं ना सेम उस तरह से। अब मैं इसको यहां से रन करता हूं, तो रन करने के बाद यहां देखिए 25 आ गया, लेकिन रन इससे नहीं होगा। अब आगे से की क्लास में बताऊंगा कैसे हम इसकी exe बनाएंगे, जहां हम exe को रन करेंगे तो मुझे रिजल्ट आएगा। जी हाँ, exe को कैसे रन करेंगे तो मुझे रिजल्ट आएगा, ये चीजें हम बात करेंगे अगली क्लासेस के अंदर में। और आप एक बार पैथन लिस्ट में जाकर देखिए कि क्या कौन से मॉड्यूल्स है, और मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते जाइए, और भी जो जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना जरूरी है वो सारा हम इस वीडियो में बताते रहे। तो मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें और मेरा ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि पूरी सिक्वेंसली वीडियो ऐप के अंदर ही अपलोड होगी कुछ दिनों में, तो आपकी पूरी वीडियो सिक्वेंस में चाहिए तो ऐप पे आना होगा। मेरा मोबाइल ऐप के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डला हुआ। Thank you.